भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सिमरन ठीक हो गई, मगर मैं उसे अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? हम डॉक्टर सिमरन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शगुना, दीदी का नया लुक कैसा है? एकदम अच्छी। हम सब ये सोचकर परेशान है कि आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे। मैं नहीं जानती, मनु ने इससे पहले मुझे कभी बताया नहीं कि उसकी शादी हो चुकी। कम से कम जाके उससे पूछो तो कि उसने सिमरन के साथ ऐसा किया क्यों। किस मुंह से पूछोगे, तुमने भी तो सिमरन के साथ वही किया था। क्या करने जा रहे हो अभिमन्यु? मैंने सिमरन को धोखा नहीं दिया था नेहा, और ना ही मैंने सिमरन से कभी झूठ बोला था। मैंने किरण से भी कभी ये बात नहीं छुपाई थी कि मैं शादीशुदा हूं। लेकिन तुमने अपनी बीवी से तो छुपाया था ना कि तुम एक लड़की से प्यार करने लगे हो। अभिमन्यु, तुमने ही मुझे बताया था कि जब किरण से तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारा लीगल डिवोर्स भी नहीं हुआ था। सिमरन तुम्हारी बीवी थी और तुमने उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि तुम किरण से शादी कर रहे हो। क्या तुम गलत नहीं थे? मैंने गलती नहीं की नेहा, धोखा दिया है मैंने सिमरन को। सही कह रही हो। इस मुंह से जाके पूछूंगा मैं मनु से ये सवाल। मुझे लगता है सिमरन के साथ जो तुम्हारा रिश्ता था उसमें तुम वही याद रखना चाहते हो जो अच्छा था, जो तुम याद रखना चाहते हो, बाकी सब भूल गए। पता है पिछले दिनों में सिमरन ने शायद कुछ इतनी ज्यादा इज्जत दे दी कि मैं भूल गया कि मैं उसके काबिल नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था अभिमन्यु, मैं तो तुम्हें एक बचपना करने से रोकना चाहती थी। कहीं जल्दबाजी में तुम वो सब ना कर बैठो जिससे तुम्हें बाद में शर्मिंदा होना पड़े। सिमरन के साथ डॉक्टर जोशी ने जो किया वो ठीक नहीं है, मैं खुद हैरान हूं। हाँ, लेकिन आज सिमरन की हालत देखी नहीं गई मुझसे ले। सुनो, तुम मेरे साथ गेस्ट हाउस चलो। इस वक्त तुम गुस्से में हो, आराम से सोचो इस स्थिति में सिमरन के लिए क्या सही है क्या गलत। कहीं हम कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे सिमरन को और परेशानी हो, उसे और दुख पहुंचे। कुछ तो है, एक्सीडेंट के बाद से सिमरन में काफी बदलाव आ गया है। पापा, उनका मेमोरी लैप्स और फिर ब्रेन सर्जरी हुई है, इसका असर दिमाग पे तो पड़ेगा ही ना। शी कैन नॉट बिहेव नॉर्मली, पर आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उन्हें रेस्ट की, मेंटली रिलैक्स होने की जरूरत है। हाँ पापा, और अगर आप दीदी के साथ रहेंगे तो दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा, वैसे एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब क्या, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। पता नहीं तुम लोगों ने गौर किया है या नहीं, लेकिन सिमरन उस अभिमन्यु को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देने लगी है। पिछले कुछ दिनों से वो भी उसे बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई बहाना लगा के उसके पास चला आता है। और वो सर्जरी के वक्त वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सिमरन के अलावा उसकी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं, तो इसलिए
मुझे इस बात का डर है कि कहीं कहीं सिमरन का झुकाव भी फिर उसकी तरफ ना हो जाए। पापा, पापा सिमरन ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरे ख्याल से वो अभिमन्यु को आस्था के पापा होने का मान देती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखो, सिमरन को जल्द से जल्द मनु के साथ शादी कर लेनी चाहिए, वरना ये अभिमन्यु पता नहीं कहाँ से वापस आ गया, अचानक गायब हो गया था, अचानक वापस आ गया। और मुझे तो लगता है कि ये इन दोनों के बीच में पड़ गया। अब सिमरन की शोहरत और तरक्की देखकर ही आया होगा ना, उसे खुश करने के लिए। पापा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेकार में डर रहे हैं। प्लीज पापा, दीदी के सामने ये सब मत कहना, वरना वो नाराज हो जाएगी। पापा, मैंने आपका बैग पैक कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, शाम को प्रणय और मैं आपको लेने आ जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, ये अभिमन्यु सिमरन से ज़्यादा मिलता जुलता तो नहीं है ना? हाँ, आई मीन उसका सॉफ्ट एटीट्यूड देखेगा तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा वो, उसे रोकना होगा। ये लो मस्त कॉफी, एकदम फर्स्ट क्लास तुम्हारे स्टाइल में। क्या हुआ भाई, तुम रो काहे को रही है? किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं भाई, तुम झूठ मत बोलो, तुमको एक तो झूठ बोलने को आता नहीं है। मेरे को बोलो ना, काहे हुआ भाई? भाई, गणपति बापा तू मेरे भाई को सुख से काय को नहीं रहने को देता है? पता नहीं मेरे भाई के साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो हाँ, आज वो सांप आए थे ना, सांप पड़ना, काय तेरे बोल के गए होंगे भाई को। देवा, हेलो। हेलो रश्मि दीदी, मैं शगुना बोलती है। हाँ शगुना, क्या बात है? कुछ मालूम नहीं, पर काय तेरी गड़बड़ है रश्मि दीदी। गड़बड़? ठीक से बता क्या बात है शगुना, दीदी तो ठीक है ना? हाँ, मुझे वो मतलब अभी तक तो वो ठीक थी, वो आज अभिमन्यु साहब आए थे ना, वो आने के बाद भाई और उसके बीच में कुछ तर बात बात हो गई। अभी मैं रात को कॉफ़ी लेकर भाई के कमरे में गई, तर भाई रो रही थी, मैंने पूछा कि काय को रोती है तो कुछ बोलतीच नहीं है मेरे को। देखो शगुना, तुम उनके पास ही रहना, घर पर कहीं जाना मत। हाँ, मैं किधर जाएगी? शगुना, मेरे कहने का मतलब है उनका ख्याल रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। हाँ, पर रश्मि दीदी, ये भाई रो काय को रही है? अब मैं कैसे जानूँ? देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ 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 हाँ। प्रणय, प्रणय आया। क्या हुआ? प्रणय, शगुना का फोन आया था, वो कह रही थी कि अभी दीदी से मिलने गए थे और उनके जाते ही दीदी रोने लगी है, पता नहीं क्या बात हुई। दिस इज नॉट गुड। डॉक्टर सिमरन को अभी किसी भी स्ट्रेस से बचना चाहिए। पता नहीं अभी ने दीदी से क्या कहा है। I think हमें पापा से बात करनी चाहिए। नो प्रणय, पापा बेकार में परेशान हो जाएंगे। अरे बाबा, इस बात को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारी दीदी और डॉक्टर जोशी की शादी करवाने के बारे में। वैसे भी डॉक्टर सिमरन के साथ ये परेशानी है कि वो अपनी बात किसी को बताती नहीं, हो सकता है कि इस एक्सीडेंट के बाद वो बहुत लोनली फील कर रही हूँ। आई थिंक यूर राइट, वैसे भी अब दीदी ठीक हो गई है, इसलिए शादी में देर क्यों करें, हम कल ही पापा से जाके बात करते हैं। वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। आई एम सो अनलकी इन लव, वो भी मुझसे पूछ रही थी। ऑफ ऑल पीपल, क्या जवाब देता उसको मैं? नजरें तक नहीं मिला पा रहा था उसके साथ। No, you know, she doesn't deserve this. उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ जो हुआ, जो किरण ने मेरे साथ किया, fine,
मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, बट वाई हर? अभिमन्यु, इस वक्त डॉक्टर सिमरन को सहारे की जरूरत है, वो अकेली है और तुम ही उन्हें इमोशनल और मॉरल सपोर्ट दे सकते हो। कहाँ से दूंगा मैं, क्या क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास में उसको सपोर्ट करने के लिए? तब उस समय नहीं कर पाए थे, लेकिन इस वक्त तो कर सकते हो ना। तुम अकेली नहीं हो, मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। Everything will be fine. मेरा बच्चा सो गया, सो गया मेरा बच्चा। हाय सिमरन दीदी। हाय। सो गई? हाँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्यों? दीदी, अभिमन्यु आए थे ना आपसे मिलने, उसके जाते ही आप रोने लगी, क्यों? ये शगुना भी ना कुछ भी उल्टा सुल्टा कह देती है, बेकार में ही सबको परेशान करती है। अगर शगुना ने कुछ कहा है तो गलत तो नहीं कहा होगा? वो किस बात का क्या मतलब निकाल लेती है रश्मि, ये तू भी जानती है। तो ठीक है, सही बात क्या है ये आप ही बता दीजिए। इट्स नथिंग रियली, बस बचपन में तुझे जो कहानियां सुनाया करती थी मामा, मैं आस्था को सुना रही थी और रोना आ गया और कुछ नहीं। हाय पापा। हाय बेटा। लो, हमसे कहकर गई कि दीदी को लेकर आ रही और यहाँ बैठ के गप्पे मार रही हो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? खुश ना रहने की वजह भी तो नहीं है ना पापा? और बेटा ये खुशी दुगनी हो जाती अगर तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से हमें पोस्टपोन ना करना पड़ता, मनु के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी होती। Anyway, कोई बात नहीं, अब हो जाएगी। सिमरन, हमें शादी की डेट तय करके मनु से बात कर लेनी चाहिए बेटा। पापा, that's a great idea. ये हुई ना बात। प्रणय, अपना सेल दो एक मिनट। क्यों? कैलेंडर चाहिए, एक मिनट। पापा, मंडे कैसा रहेगा? नेक्स्ट मंडे दिन भी अच्छा है, बस खाली मेहमानों को इन्फॉर्म करना है, बाकी तैयारियां तो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अरे आप लोग आओ ना। सिमरन है? है ना, बाई ऊपर कमरे में है, वो माथुर साहब और रश्मि दीदी सब लोग आए हैं ना, ऊपर कमरे में बैठे, आए ना आप लोग। पापा, एक ही दिन की तो बात है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। Will you please stop talking about this marriage? मैं शादी नहीं करूंगी। तुम क्या कह रही हो बेटा? मैंने कहा ना पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है, क्यों नहीं, अचानक ये क्या डिसाइड कर लिया तुमने? कल तक तो तुम इस शादी को लेकर बहुत खुश थे, फिर? क्या इतना काफी नहीं है? आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन दीदी, रश्मि प्लीज डोंट इंसिस्ट, जिद मत कर, इतने बड़े डिसीजन के लिए प्लीज मुझे प्रेशराइज मत कर।
और तुम बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्वॉल्व किए इतना बड़ा फैसला ले सकती हो खुद? किसी की परवाह नहीं है तुम्हें? अच्छा नहीं। और मनु के बारे में भी नहीं सोचा तुमने? उसे कैसा लगेगा सिमरन? कितना प्यार करता है वो तुम्हें आस्था को। पापा ठीक ही कह रहे हैं, आपने काफी सोच समझ कर ही डिसाइड किया था ना, तो फिर आज क्यों मना कर रही हैं? देखो दीदी, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप और थोड़ा वक्त ले लीजिए, 8 दिन 10-15 दिन, पर प्लीज मना मत कीजिए। अरे इसमें जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं है, सिमरन के हाँ कहने पर ही सब कुछ तय हुआ है। और सिमरन, इस बार मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। मनु की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती हो तुम, ये भी कोई बात हुई? बचपना है क्या? जब मन किया हाँ कह दिया, जब मन नहीं किया ना कह दिया। अरे शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल है क्या? इसलिए तो मना कर रही हूं पापा। खाक समझती हो तुम, पता नहीं क्या आ गया तुम्हारे दिमाग में अचानक। पापा प्लीज। रश्मि मुझे नहीं, इसे समझाने की कोशिश करो। देखिए, वी आर नॉट फोर्सिंग यू एंड वी डोंट वॉन्ट टू। बस इतना बता दीजिए कि डॉक्टर जोशी के साथ कुछ हुआ। रश्मि एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सिमरन आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है? रोने में कुछ नहीं कहना चाहती, सिवाय इसकी तरह आई डोंट वांट गेट मैरिड, दैट्स इट। सिमरन बाहर आओ। सिमरन सुन रही हो? सिमरन ये क्या बदतमीजी है, बचपना है एकदम। मैं कहता हूं इसी वक्त बाहर आओ। सिमरन बाहर आओ और बताओ क्या बात है। पापा प्लीज गो फ्रॉम हियर। नहीं सिमरन, हम नहीं जाएंगे जब तक तुम बाहर नहीं आओगी और बताओगी कि बात क्या है। सिमरन बता। पापा प्लीज, पापा आप डॉक्टर सिमरन के बारे में तो सोचिए, इतना चीखना रोना, इतना स्ट्रेस, कहीं उनके हेल्थ को कुछ हो गया तो? पापा सिमरन दीदी की हेल्थ से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, जहां इतने दिन इंतजार किया वहां थोड़े दिन और सही प्लीज। अरे बेटा लेकिन मैं क्या कर, मैं ओके सिमरन, आई एम सॉरी बेटा, तुम बाहर आ जाओ प्लीज, हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। ओके सिमरन आई एम सॉरी बेटा, मैं सॉरी कह रहा हूं ना सिमरन, प्लीज अब तो प्लीज पापा डोंट से सॉरी, जस्ट लीव मी अलोन ना प्लीज। जाने के लिए कह रही है चले जाओ, अब इस हाल में कैसे छोड़कर चले जाऊं? पापा आप दोनों नीचे जाइए, मैं दीदी के पास रुकती हूं। कॉफी लाइए, वो थोड़ा देर हो गया मेरे को। वो कॉफी किसने मंगवाई, हमने तो मना कर दी थी। वो मिस्टर चुपचुपाणी गौरी दीदी आए ना उनके लिए। क्या कह रही है शगुना, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने इस तरह मिस्टर चुपचुपाणी गौर दीदी को बोला ये कमरे में आने को, मैंने उनको बोला कि तुम लोग सब इधर है करके, किधर गए बोलो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि डॉक्टर जोशी और गौरी यहाँ आए थे, इस कमरे में आए थे? हाँ। ओह माय गॉड, फिर तो उन्होंने सब सुन लिया होगा।